आज हम कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कैशे मेमोरी क्या होती है, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर में जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो उस प्रोग्राम को रन करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है, ठीक है। तो इस काम को पूरा करने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है या डाटा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन और डाटा होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? या तो रैम में स्टोर या हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि कंप्यूटर जो वो फास्ट काम करता है एज ए कम्पेयर टू रैम या हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क और रैम जो वो स्लो काम करता है सीपीयू के कंपैरिजन में। तो क्योंकि ये रैम और हार्ड डिस्क जो है वो स्लो काम करती हैं, इसलिए सीपीयू को इन इंस्ट्रक्शन को फेच करने में या लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए कंप्यूटर की जो वो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, कंप्यूटर में जो है वो कैशे मेमोरी को यूज़ किया। कैशे मेमोरी जो है वो फास्ट काम करती है, हालांकि इसकी कैपेसिटी जो है वो स्मॉल होती है। कैशे मेमोरी की कैपेसिटी जो है वो स्मॉल होती है और इसका काम करने का जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है। और कैशे मेमोरी जो होती है वो सीपीयू चिप के पास में होती है, ठीक है। तो यही वजह है कि कैशे मेमोरी जो है वो स्टोर डाटा को सीपीयू को सबसे फास्ट एक्सेस कराता है, क्योंकि ये सीपीयू चिप जो होता है उसके वो पास में ही होती है कैशे मेमोरी, इसलिए ये फास्ट एक्सेस करवाता है डाटा को। और कैशे मेमोरी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? इंस्ट्रक्शन और डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, जिसकी जरूरत सीपीयू को बार बार पड़ती है। और कैशे मेमोरी जो है वो हाई स्पीड मेमोरी है, ठीक है, जो सीपीयू को स्पीड अप करने के लिए बार बार यूज़ करने के लिए करने जो बार बार यूज़ किए जाने वाला डाटा है उसको होल्ड करके रखती है, ठीक है। मतलब जैसे हमने कोई भी डाटा है रिपीटेडली हमने यूज़ किया है, बार बार यूज़ किया है, तो ये क्या करता है, उसको वो होल्ड कर लेता है उस डाटा को, और हमें वो जल्दी से उसको दिखा देता है। जैसे गूगल पे हमने सेम चीज़ को सर्च करा है बार बार, तो कई बार क्या होता है कि जैसे ऊपर सर्चिंग बार में वो चीज़ हमने एक वर्ड लिखा, जैसे हमने मीनिंग ऑफ कैशे लिखा, हमने इसको बार बार सर्च करा, तो ये जब हम इसको सर्च करने लगेंगे तो पहले से ही आप वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आप ये सर्च करने वाले हैं। तो कैशे मेमोरी क्या करती है, जो हमने बार बार डाटा को यूज़ करा होता है वो उसको होल्ड करके रखती है, वो हमें बाद में दिखा देती है। तो ये थी कैशे मेमोरी। और इसकी हमने यहाँ पे एक और पॉइंट है कैशे मेमोरी का, कैशे मेमोरी जो क्या होती है, मतलब ये मेन मेमोरी और सीपीयू जो है उसमें वो वफर का काम जो है वो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, द कैशे मेमोरी इज़ अ वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है। इट इज़ अ कॉस्टलियर, ठीक है, देन द मेन मेमोरी, ठीक है, बट मोर यूजफुल देन द रजिस्टर। आगे लिखा है द कैशे मेमोरी बेसिकली एक्ट एज अ वफर बिटवीन द मेन मेमोरी एंड सीपीयू।